सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। मेरठ में रिटायर्ड दरोगा की फावड़े से काटकर हत्या, 13 लाख रुपए के लेन देन में रिश्तेदार ने जान ली, कातिल बोला हां मैंने ही मर्डर किया। उन्नाव के हसनगंज में किशोरी का जंगल में पड़ा मिला शव, परिजन जता रहे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, मुंह से निकल रही थी झाग। यूपी में 15 आईपीएस के ट्रांसफर, लखनऊ, नोएडा, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी बदले, ट्रेनी अफसरों को मिली तैनाती। ट्रेन में हार्ट अटैक से यात्री की मौत, मुंबई से प्रयागराज आ रहा था यात्री, साथ के यात्रियों ने ट्वीट के जरिए रेलवे को दी सूचना। गाजियाबाद में कार्रवाई के लिए भटक रहा यूपी पुलिस का जवान, घर में हुई थी लाखों की चोरी, सिपाही बोला पुलिस का ना फोन रिसीव ना कोई जवाब। वाराणसी में गंगा वार्निंग लेवल से 106 सेंटीमीटर नीचे, 2 दिन में 57 सेंटीमीटर घट गया गंगा का पानी, वाराणसी में बारिश के आसार कम। अयोध्या में हाई कोर्ट के अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, लूटपाट का मुकदमा दर्ज, प्रयागराज जाते समय ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया था। डांसर सपना चौधरी की गिरफ्तारी वारंट जारी, लखनऊ की एसजेएम कोर्ट का पेश करने का आदेश, शो में नहीं पहुंचने पर हुई थी एफआईआर। श्रावस्ती के गालीबाज एसडीएम की वीडियो वायरल, रिटायर्ड फौजी ने पेपर दिखाने चाहे तो भड़के, 2 मिनट तक दी गालियां। कानपुर में मॉर्निंग वॉकर्स से टैक्स वसूले जाने का विरोध शुरू, सपा और कांग्रेस सड़क पर उतर कर करेंगे प्रदर्शन। चंदौली में पुलिस पर हमला करने वाले 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज, जो पुलिस टीम पर किया था पथराव, 2 पक्षों में हुआ था विवाद। गाजियाबाद में पढ़ाई से बचने के लिए दोस्त का मर्डर, मां बाप पढ़ाई के लिए डांटते थे, जेल जाने के लिए दोस्त का गला रेत दिया। केंद्रीय मंत्री ने राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बताया, अजय मिश्रा ने कहा कुत्ते भौंकते रहते हैं, टिकैत का जवाब दहशत खत्म करनी है। बुलंदशहर में बिजली ठेकेदार के घर फायरिंग, घर के शीशे टूटे, 1 व्यक्ति हुआ घायल, पोस्ट को लेकर हुआ था विवाद। बदायूं पहुंचा लंपी वायरस संक्रमित मिला गौवंश, बिसौली तहसील परिसर में घूम रहा था बछड़ा, डिप्टी सीवीओ ने दिया प्राथमिक इलाज। चित्रकूट में डीएम ने की स्वास्थ्य विभाग की बैठक, डीएम ने सीएससी प्रभारियों को लगाई फटकार। बदायूं के बिसौली में अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या, घर के बाहर चौपाल पर सो रहे थे, सिर और शरीर पर चोट के मिले निशान। वाराणसी के एडीजी जोन का ट्विटर अकाउंट हैक, ऑनलाइन गेम के ट्वीट रिट्वीट किए गए, रिस्टोर करने का किया जा रहा प्रयास। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सीएम योगी से मिले, कानपुर और गोरख क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक। जौनपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर टल गए दो बड़े हादसे, रेलवे पायलट की सूझबूझ से बची 3 युवकों की जान, रात को मालगाड़ी की चपेट में आई बाइक।
मेरठ में बेटे के सामने मां को मारी गोली, नकाब में आए तीन बदमाशों ने कहा नीलम सब ठीक ना, फिर माथे पर मार दी गोली। बदायूं में सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन की मौत, युवक अपनी पत्नी और भाई के साथ मंदिर से लौट रहे थे। पीलीभीत में राज्यपाल के संभावित दौरे की तैयारियों में जुटे अधिकारी, पिकनिक पॉइंट पर साफ सफाई शुरू। ललितपुर में 13 बांधों में से 9 के गेट खोले, गोविंद सागर बांध के खोले गए 15 गेट। जिले में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश। हत्या आरोपी रिटायर्ड फौजी किया गया गिरफ्तार, इटावा में गृह कलेश के चलते पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 गिरफ्तार, 1 बदमाश 2 बार जा चुका है जेल, राह चलते लोगों से करता थलू। हमीरपुर में हिस्ट्री शीट लापता, परिजन बोले मुठभेड़ में मारी है गोली, एहतियात के तौर पर घर के बाहर पुलिस तैनात। प्रतापगढ़ में बिजली विभाग के ऑफिस में लगी आग, 50 साल पुराने रिकॉर्ड जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। पीलीभीत में कार के आगे 400 मीटर चला बाघ, कार सवार युवकों के छूटे पसीने, ग्रामीणों ने शोर मचाकर बाघ को भगाया। कानपुर में गालीबाज युवती का वीडियो वायरल, पड़ोसी से बोली तुझे और तेरे पति को हैरेसमेंट में फंसवाती हूं, यहीं पर जिंदा गड़वाएंगे। अमेठी में दूषित पानी पीने को मजबूर है सरकारी स्कूल के बच्चे, नौनिहालों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़। औरैया में अग्निवीर योजना के तहत युवाओं में दिख रहा जोश, अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। बदायूं में अधेड़ की गला रेत कर हत्या, हत्या के बाद आरोपी फरार, हत्या की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर दलितों का कैंडल मार्च, मेघवाल का आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। औरैया में भ्रष्टाचार को लेकर अधिवक्ताओं का हल्लाबोल, सोमवार से कलमबंद हड़ताल पर तहसील के अधिवक्ता। बुलंदशहर में गंगा का जल स्तर बढ़ने से सैकड़ों बीघा फसल हुई जलमग्न, फसलों में 1-1 फीट से अधिक भरा गंगा का पानी। औरैया में बदहाली में जीवन जीने को मजबूर है लोग, सड़क पानी जैसी समस्याओं से पीड़ित है लोग। बुलंदशहर में यूको बैंक शाखा प्रबंधक पर लगा संपत्ति नीलाम करने का आरोप, बिना नोटिस जारी किए गया संपत्ति की नीलामी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में दबंगों ने युवक को पीट पीट कर की हत्या, हत्या से मोहल्ले में फैली सनसनी। गाजियाबाद के विकास भवन में सोते हुए नजर आए अधिकारी, सोते हुए अधिकारी को आए देखकर लोगों में गुस्सा। गोंडा में 2 दिन पहले लापता बच्चे का मिला शव, हत्या की जताई जा रही आशंका, परिवार ने गायब होने की सूचना कराई थी दर्ज। हरदोई में क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन विकास जयसवाल का एक और सराहनीय प्रयास, पुलिस लाइन में खुल रही लाइब्रेरी।
कानपुर में ऑनलाइन कैफे और फ्लाइंग सॉसर हुक्का बार में पुलिस ने फोर्स के साथ की छापेमारी। पुलिस को मौके से प्रतिबंधित हुक्का सामग्री बरामद। लखनऊ में पशुओं को लंपी वायरस से बचाने मिशन मोड में सरकार, चलेगा वृहद टीकाकरण अभियान। अंतर्राज्यीय पशु परिवहन पर लगा प्रतिबंध। मथुरा के वृंदावन रंगनाथ मंदिर में लट्ठा का मेला देखने को उमड़ा सैलाब। संपूर्ण परिसर रंगनाथ भगवान के जयकारों से हो उठा गुंजायमान। मऊ में मुख्तार अंसार के करीबी के 12,96,00,000 की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बुलंदशहर में पलक उर्फ शानू हत्याकांड का हुआ खुलासा। किशोर ने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए किया था कत्ल। प्रयागराज में यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर से बढ़ा खतरा। निर्माणाधीन शवदाह गृह का नदी में निकला सरिया हो सकता है जानलेवा। शाजापुर के गांधी भवन में युवा कल्याण विभाग के तत्वाधार में आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। विधायक मानवेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। श्रावस्ती में समूह के निजी कर्मी से हुई हजारों की लूट। बदमाशों की तलाश में जुटे प्रशासन। प्रयागराज में हजारों से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर को लोग बुलाते हैं ग्रीन मैम। सुल्तानपुर में अस्पताल की बन रही निर्माणाधीन बिल्डिंग में भ्रष्टाचार की बू। अस्पताल के गुणवत्ता में खामियों की हो रही शिकायत। उन्नाव में पुलिसकर्मी का महिला के साथ रोमांस का वीडियो हुआ वायरल। महिला की शिकायत पर आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में जन सुनवाई का हुआ आयोजन। मंत्री दयाशंकर मिश्र ने लोगों की समस्याओं का किया समाधान। अयोध्या पहुंची इस रात विधायक पल्लवी पटेल। कहा 2009 को सोनेलाल पटेल की एक्सीडेंट से मौत हुई थी। ये मौत नहीं हत्या है। बिजनौर पहुंचे रेल मंत्री अश्विन वैष्णव। मंत्री के स्वागत के लिए रेल स्टेशन प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद। मंत्री ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। बुलंदशहर के खुर्जानगर में दिन दहाड़े महिला से हुई लूट। बाइक सवार दो युवकों ने सोने की चेन की लूट की वारदात को दिया अंजाम। चंदौली में डीडीयू और आरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 11,00,000 की अफीम के साथ महिला सहित दो तस्कर गिरफ्तार। फरुखाबाद में अग्निवीर सेना भर्ती में हजारों की संख्या में युवा कर रहे प्रतिभाग। तीन तहसीलों के कुल 3,109 उम्मीदवार हुए उपस्थित। फतेहपुर में 3 वर्ष की मासूम के साथ बलात्कार करने की कोशिश। परिजनों के शिकायत करने पर आरोपी ने धमकी देकर भगाया। फिरोजाबाद में व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या। हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में डीएम को मिला आईएसओ अवार्ड। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदेश शासन ने किया सम्मानित। कन्नौज में श्रद्धालुओं को ले जा रही मैजिक पलटी। हादसे में 21 घायल। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को भेजा गया अस्पताल।
कानपुर में प्रधानाचार्य से प्रताड़ित होकर बच्चों ने बीएलओ से की शिकायत, बच्चों से मजदूरी करवाते हुए वीडियो हुआ था वायरल। लखनऊ में 28 अगस्त को आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में निकालेगी पदयात्रा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। मथुरा में नहीं थम रहा बंदरों का आतंक, दरोगा की टोपी ले भागा बंदर, थाना जयंत इलाके की चौकी पर पोस्टेड है दरोगा शैलेंद्र शर्मा। श्रावस्ती में एसडीएम का गाली देते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जमीन की पैमाइश करने गए एसडीएम कागज दिखाने पर भड़के। लखनऊ में एडीजी के आदेश को नहीं मानते हुक्का पार्लर, आला अधिकारियों के आदेशों का पालन कराने में बाजार खाला पुलिस फेल। हमीरपुर में गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची की हुई मौत के मामले में सीएमओ ने जारी किया लेटर, सीएमओ ने कहा बच्ची की निमोनिया से हुई मौत। लखनऊ में मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला आया सामने, बदायूं में लगाई जारी थी बड़ी बोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमीरपुर में सेल टैक्स की टीम ने भारी मात्रा में राष्ट्रीय गुटखा पकड़ा, ई रिक्शा में चोरी से ले जाया जा रहा था गुटखा। लखनऊ स्थित पराग डेयरी प्लांट के बाहर किसानों ने किया प्रदर्शन, बड़ी संख्या में दुग्ध किसान मौजूद, जीएम के खिलाफ किया नारेबाजी। हमीरपुर में सिटी फॉरेस्ट में युवती को निर्वस्त्र कर पीटा पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, पति पत्नी से युवकों ने किया भद्रता। लखनऊ में रवि किशन पर कार्रवाई को लेकर लिखा पत्र, जिलाधिकारी भदोई को पत्र लिखकर की शिकायत। संभल में एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते एक दरोगा को रंगे हाथों किया गिरफ्तार, मामला थाना रजपुरा की डीएसएम पुलिस चौकी का। पिछहत्तर जिलों के 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।